आंखों पे मदीना, निगाहों में कावा, तसव्वुर में जन्नत बसी जा रही है। अजब खुशनुमा है ये आका का रोजा, मदीने से ठंडी हवा आ रही है। जैसे ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, एक गायत्री है। इसका अर्थ क्या है? ओम तेरा नाम है, तू सब सुखों की खान है, भूरियों कहते पिता, तू प्राणियों का प्राण है, शुभ आनंद रूप हो, तत्व उसी का ध्यान धरते हैं, सवितुर जगत उत्पन्न करता है, वरेण्यम वरण योग है, भर्गो पवित्र भजकर फिर न रहते रोग हैं, देवस्य यो कहते पिता तुम दिव्य गुणों से युक्त हो। पहले मेरा नाम था रमेश चंद शर्मा। संन्यास में जाने के बाद में रमेश आनंदपुरी हुआ। मैं अब संन्यास में कितने साल थे? मैं 40 साल रहा हूँ। 40 साल रहे। आपकी उम्र कितनी है अभी? 75 साल की। 75 साल। तो काफी आप अभी आश्रम में थे तो काफी आपका बहुत बड़ा हिसाब किताब होगा, मर्सिडीज और करोड़ों रुपया। अरे साहब, 1-2 करोड़ की बात कर रहे हो, 73 करोड़ की बात कर रही है। 73 करोड़ रुपए के आप मालिक थे? मैं साइन मार के आया हूँ। तो मुझे एक सवाल पूछना है कि आप इतना, इतनी दौलत भी थी आपके पास, चेले चपाटे, गाड़ियां, करोड़ों रुपया, तो क्या चीज ऐसी थी जो आपको ये सब छोड़ने पे उस चीज ने मजबूर किया और यहाँ पे आप एक गरीबी कहूंगा मैं, गरीबी की रेखा पे आप जी रहे हो, इतने करोड़ों बंगले वगैरह छोड़ के, क्या चीज थी, क्या चीज ने इंस्पायर किया आपको जो आपने कलमा पढ़ा? ये पाक जात है, ये हमको पसंद आई कि ये हमेशा पाक रहता है। पाकी साफी इस्लाम में बहुत है, आपको ये पसंद आया? ये पसंद आया हमें कि भाई पाक साफ रहते हैं। अगर हम पाक साफ पवित्र होकर के अगर हम प्राण छोड़ जाते हैं, अपना शरीर छोड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो हम को अल्लाह जो है कोई अच्छी जगह देगा, हम जन्नत भी नहीं कह सकते। चलो उसे जन्नत तो है ही, लेकिन हम नहीं है उस काबिल, अब वो तो अल्लाह जाने हमें जन्नत देगा या दोजख देगा। तो इसलिए मुझे पसंद है, पाक साफ चीज पसंद है मुझे। अच्छा, और एक बात, दूसरी बात यह है कि यहाँ हिंदू मजहब में अनेकों मंत्र होते हैं, इस्लाम में एक मंत्र होता है। जी, क्या मंत्र है इस्लाम? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है, ये बच्चा हो, बड़ा हो, बुढ़ा हो, जी हाँ, और उसमें अनेकों मंत्र होते हैं। भाई कोई गायत्री पढ़ता है, कोई महामृतांजय मंत्र पढ़ता है, जैसे ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, एक गायत्री है। इसका अर्थ क्या है? ओम तेरा नाम है, तू सब सुखों की खान है, भूरियों कहते पिता, तू प्राणियों का प्राण है, शुभ आनंद रूप हो, तत्व उसी का ध्यान धरते हैं, सवितुर जगत उत्पन्न करता है, वरेण्यम वरण योग है, भर्गो पवित्र भजकर फिर न रहते रोग हैं, देवस्य यो कहते पिता तुम दिव्य गुणों से युक्त हो, धीमा ही हम ध्यान धरते क्योंकि दाता मुक्त हो, धियो यो न बुद्धियों की प्रेरणा, प्रचोदयात हम ध्यान धरते सर्वदा। अच्छी बात है, तो माशाल्लाह काफी खुश हो आप और अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी, आप ईमान पे आ गए, मुसलमान हो गए। कोई जबरदस्ती नहीं की थी ने किसी ने आपके साथ, या तलवार के आज जैसे दुनिया में कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैल रहा है, तो ऐसा तो नहीं किसी ने तलवार दिखा के तो नहीं आपसे कलमा पढ़वाया? नहीं नहीं, किसी की या पैसों का लालच? पैसे का लालच आपको कोई क्या देगा, आप खुद करोड़पति। अरे 150 बीघे तो जमीन छोड़ के आए।